राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। यह पर्वत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हमारे इसकी बहुत सारी लीलाएँ इस पर्वत की। इस पर्वत पर चार वो हैं जो है, एक है मान मंदिर, दूसरा है मोरकुटी, तीसरा है विलासगढ़ और चौथा है दानगढ़। तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा बताएंगे हमारे उदय भैया, जो कि आपको यहाँ की सारी लीला और यहाँ की जो भी कहानी है उस सब के बारे में आपको बताएंगे। ब्रह्माचल पर्वत क्यों कहते हैं इसे ब्रह्माचल पर्वत, किस लिए कहते हैं? जैसे ही गोवर्धन गिरिराजी में विष्णु पर्वत, नंद गांव में शिव पर्वत, ऐसे ही बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्माचल पर्वत एक दिन ब्रह्मा जी राधा रानी से कहते हैं कि हे स्वामिनी, हमारो तो यह जग में कोई गुणगान ना करे, कोई नाम ना ले, कोई प्रार्थना ना करे, तो हे कृपा मई हम पे कृपा करो। तो राधा रानी बोली, हे ब्रह्मा जी, आप जन्म जन्म के काजें और बरसाने में पर्वत स्वरूप में विराजमान है जाओ। जैसे कि तुम विराजमान होंगे पर्वत स्वरूप में, तो भक्त जनन की, अन्य संतन की, दिव्य संतन के चरणन की रज तुम्हारे ऊपर आवेगी, तो कोटि कोटि धन रह जाएंगे आप। ये ब्रह्माचल पर्वत है, ये कैमरामैन आपको दर्शन कराएंगे हमारे ब्रह्माचल पर्वत के चारों तरफ से। तो यह है हमारा ब्रह्मांचल पर्वत जिसपे श्री जी स्वयं विराजमान हैं। जैसे ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, हमारे ब्रह्मांचल पर्वत पर भी ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, जिसमें से पहला मुख है मानगढ़, दूसरा मोरकुटी, तीसरा दानगढ़ और चौथा विलासगढ़। अगर आप कभी भी इन्हें दूर से देखोगे ब्रह्मांचल पर्वत को, तो आपको स्वयं ब्रह्मा जी के मुख नज़र आएंगे। तो आप कभी भी इस जगह पर आओ तो इनके दर्शन करें, और हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको इन चारों मुखों के दर्शन करवाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल पर और आगे आने वाली वीडियोस को लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय जय श्री राधे।